देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, 16 पहियों की एक ट्रक जो अपने पूर की पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर भगदड़ मचा रहे थे, सवेरा होने को आया था। और ये अब ऐसा वक्त था जब ट्रकों का चलन होने वाला था। भले ही ट्रक की रफ्तार इस समय बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कंट्रोल तो किसी का नहीं था। ट्रक अच्छी रफ्तार के साथ दौड़ रहे थे, लेकिन ड्राइवर शराब के नशे में सब कुछ भूला हुआ था। उसके बगल में बैठा उसका खलासी, जब उसकी नींद खुली तो उसने ट्रक की भयंकर स्पीड को देखा, तो उसने तुरंत ही ट्रक को साइड में रुकवाया और अपने ड्राइवर को आराम देने लगा। इस समय ड्राइवर की हालत काफ़ी कसमकस हो चुकी थी। सुबह से ट्रक चलाने के कारण अब उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। ऊपर से शराब के नशे ने खाली पेट में कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा दिया। करीब आधे घंटे रुकने के बाद ड्राइवर थोड़ा होश में आया, लेकिन शराब का नशा इतनी जल्दी कहाँ उतरता है। अब तक जहाँ उसका ड्राइवर नशे में धुत होता रहा, तो वहीं उसके खलासी ने शराब के नशे की लत लगभग अपने आप से दूर रखी थी। फिर कुछ देर बीतने के बाद उसका ड्राइवर जोर जोर से किसी को गाली गलौज करने लगा जो सड़क के उस पार था। पास में बैठे खलासी ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे झंझोरते बोला, अबे क्या है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो किसको गाली दे रहा है। तो उसने बताया कि उसकी ट्रक के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है जो सामान के साथ छेड़खानी कर रहा है। खलासी ये बात सुनते ही एकदम से चौकन्ना हो गया और वो अपने फ़ोन की टॉर्च लेकर तुरंत ही ट्रक के पास पहुंचा, पर वहां पर तो कोई नहीं था। जोरों से पसरा हुआ सन्नाटा और अंधेरे की एक मोटी चादर के अलावा कीड़े मकोड़े के चिल्लाने की आवाज़ थी जो बस उस ट्रक से टकराने का काम कर रही थी। खलासी को उस समय थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल किया, क्योंकि वो जानता था कि नशे में आदमी कुछ भी बोल देता है और उसे कुछ भी सही से नज़र नहीं आता। पवन नामक उस खलासी ने अपने ड्राइवर की हरकतों को बर्दाश्त किया और फिर उसे लेकर ट्रक में पहुंच गया। वो जानता था कि तकरीबन 2-3 घंटे तक उसे सही से होश नहीं आएगा, और अगर वो 2-3 घंटे के लिए यहाँ पर रुके तो उन्हें काफ़ी लेट हो जाएगी। उनके मालिक का काम बहुत अर्जेंट था, लिहाजा उन्होंने अपनी ट्रक को स्टार्ट किया और फिर वहाँ से निकल पड़े। सुनसान पड़े खंडर जैसे ज़मीन के करीब से गुजरने वाले इस रास्ते पर इंसानों का तो कोई नामो निशानी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटे की मोटी चादर के साथ साथ एक अलग ही खामोशी थी। खलासी इस समय ड्राइव कर रहा था। उसने अपने ड्राइवर को बगल में बैठा के रखा था जो वहाँ से निकलते वक्त गाली गलौज कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका था। पवन ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें इतना नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके भी तुमने उन हरकतों को आजमाया जो तुम्हारे लिए गलत हो सकती हैं। ड्राइवर एकदम खामोश पवन के बगल वाली सीट पर बैठा रहा, उसके मुंह से कोई लफ्ज तक नहीं निकला। फिर वो हल्की सी आवाज़ में बोला, सच में मुझे ट्रक के ऊपर कुछ दिखाई दिया था जो कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत ही डरावना लग रहा था। उस वक्त मैं इन बातों को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाया और तुम लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाए, मगर वो मुझे दिखाई दिया था। फिर सामने की ओर से आने वाली एक गाड़ी जो बेहद ही स्पीड में थी, जब पवन ने कांच में देखा तो पीछे से 2 गाड़ियां निकल रही थी जो उस ट्रक को जल्दी ओवरटेक करने वाली थी। पवन जानता था कि उसका ट्रक बिल्कुल सही दिशा में और सही जगह में चल रहा है, जिस वजह से उसने अपनी दिशा को नहीं बदला। लेकिन उन दोनों गाड़ियों के बीच एक भयंकर टक्कर हुई। उस टक्कर का विस्फोट इतना ज़्यादा था कि चारों तरफ का इलाका गूंज उठा, लेकिन वहाँ एक सुनसान इलाका था और दूर दूर तक किसी भी घर का कोई नामो निशान नहीं था। पवन के बगल में बैठा उसका ड्राइवर एकदम से सीट से उठा और वो ट्रक से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन इस समय पवन ने उसे मना कर दिया, क्योंकि किसी भी चीज़ का केस उसके ऊपर लग सकता था। डर के मारे पवन भी अपनी जगह से उठा नहीं और बाहर के नज़ारे को अंदर से ही वो देखता रहा। जब उसे पता चला कि अब उसका यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने ट्रक का गियर डाला और वहाँ से तुरंत ही निकलने लगा। लेकिन इसी बीच पुलिस की गाड़ी वहाँ दाखिल हुई और वो चलते हुए ट्रक को वहीं रोक दिया। जब दोनों गाड़ियों को दोषी पाया गया, तकरीबन आधे घंटे के बाद ही वहाँ से रिहा कर दिया गया। लेकिन जब पवन ने गाड़ी में हुए इस एक्सीडेंट को देखा था, तो वो उनके खून और मांस के टुकड़ों को छिन्न भिन्न होता देख पूरी तरह कांप उठा। उसने किसी इतने भयानक एक्सीडेंट को देखा था जिसमें दोनों इंसानों की खोपड़ी फट चुकी थी, और उस खोपड़ी के अंदर से निकलता हुआ वो मांस अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था।
पता नहीं क्यों लेकिन उसे उल्टी जैसा लग रहा था। ट्रक को रफ्तार में भगाना शुरू किया। हाईवे पर दौड़ती हुई ट्रक पता नहीं क्यों लेकिन अचानक इधर से उधर हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक के ऊपर कोई बहुत भारी चीज जोरों से हिल रही है। इस वक्त ड्राइवर खुद ड्राइविंग कर रहा था और पवन अपनी उस सीट पर बैठा था जहां पर उसे बैठना चाहिए था, यानी कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर, क्योंकि अब ड्राइवर नॉर्मल था। ट्रक को इस तरह हिलता देख उन दोनों को चिंता सताने लगी। पवन ने एक बार फिर ट्रक को साइड में लगाने का इशारा किया और जैसे ही ड्राइवर ने ट्रक का ब्रेक लगाया तो उसको ऊपर से कुछ नीचे गिरा। ऐसा लग रहा था मानो कोई वो आदमी है जो काफ़ी देर से ट्रक के ऊपर चिपका हुआ था और अब जाकर वो धड़ाम से नीचे गिरा। ड्राइवर ये देखते ही गुस्से से लाल हो गया और सबसे पहले उसने पवन की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे ट्रक के ऊपर कोई दिखा था। तभी वो झटके से अपने ट्रक से नीचे उतरा और जैसे वो ट्रक से नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ तो कोई भी नहीं था। हालांकि इस वक्त जो ट्रक से नीचे गिरा था वो तो पवन को भी साफ साफ नजर आया था। अपने ड्राइवर को गुस्से में देख पवन भी ट्रक से नीचे उतर गया तो उसे ट्रक के पीछे से कोई भागता हुआ दिखाई दिया। तभी वो दोनों तेजी से दौड़े और उसके पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन ज्यादा देर तक वो उस अनजान का पीछा नहीं कर पाए क्योंकि कुछ दूर आगे जाने के बाद ही वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। जब पवन की नज़र पीछे की तरफ गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल ट्रक के पीछे हिस्से में एकदम से आग लग गई और आग धीरे धीरे फैलती जा रही थी। दौड़ता हुआ पवन अपने ट्रक के पास पहुंचा और किसी तरह उस आग को बुझाने की कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही बुझ गई। भले ही ट्रक के पीछे वाला कुछ हिस्सा जल गया था लेकिन सामान तो अभी भी सुरक्षित पड़ा था, जिसे देखकर पवन के मन में थोड़ी खुशहाली जाग उठी। अब इस जगह पर रुकना एक पल के लिए भी सही नहीं था और अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लेते हुए पवन अपने ट्रक के पास पहुंचा और वहां से वो निकलने लगा। उसे ये तो अच्छी तरह पता चल चुका था कि कुछ तो अनजानी ताकत है जो उन्हें काफ़ी देर से माया ब्रह्म में फंसाने की कोशिश कर रही है, और शायद वो शक्ति यही चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके पवन और उसका ड्राइवर इस ट्रक से दूर जा सके। लेकिन पवन अपने ट्रक से दूर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब उसने सावधानी बरतना शुरू कर दिया लेकिन असली खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। अब की बार ट्रक का स्टीयरिंग पवन के हाथों में था और वो काफ़ी सावधानी के साथ ट्रक को आगे बढ़ाता गया। फिर तकरीबन 15 मिनट तक ट्रक बेहद आराम से चलती रहे क्योंकि कुछ और दूरी तय करने के बाद ही पवन को अपने सामने की तरफ कुछ लावारिस गाड़ियाँ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये गाड़ी एक्सीडेंट के बाद सड़क के किनारे पड़ी हैं। बेखौफ होकर पवन अभी भी स्पीड से ड्राइव कर रहा था, लेकिन फिर उस ट्रक का अचानक ब्रेक फेल होने लगा। स्पीड से भागते हुए ट्रक को कंट्रोल कर पाना अब बहुत ही मुश्किल था। स्पीड से दौड़ती हुई ट्रक अचानक एक पेड़ से टकरा गई। वो पेड़ जमीन से तो उखड़ गया लेकिन बावजूद इसके भी उस ट्रक का संतुलन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। बार बार ड्राइवर बदल रहे थे लेकिन उनकी किस्मत ने बार बार उनके साथ कुछ ऐसे अजीब हादसे हुए जो उन्हें मौत को करीब से देखने पर मजबूर कर देते। ट्रक डिसकंट्रोल होकर काफ़ी समय तक ऐसे ही घूमते रहे लेकिन उसे कंट्रोल कर पाना अब पवन के बस में नहीं था। फिर मौका पाकर दोनों ने उसके अंदर से छलांग लगा दी। फिर ट्रक से नीचे कूदने के बाद दोनों की हड्डी पछलों में जोरदार चोट तो आई लेकिन अब तक दोनों के जिस्म में जान थी वही उनके लिए काफ़ी था। तड़पते हुए दोनों अपने स्थान से उठे और किसी तरह वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगे। उनके पास एक सुविधा अभी भी थी और वो था उनका मोबाइल फ़ोन, जो उनकी ज़िंदगी बचाने का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। तभी पवन ने सबसे पहले अपने मालिक को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मालिक ने जब एड्रेस पूछने को कहा तो फ़ोन कट गया और फ़ोन से नेटवर्क भी गायब हो गया। लगातार गंभीरता बढ़ती जा रही थी और समस्याओं का कोई निवारण नहीं था। अब जिंदगी बचाने का एकमात्र यही रास्ता था, बस जो सामने दिखे उसी रास्ते को पकड़ो और बिना पीछे मुड़े आगे चलो। ट्रक का तो कोई ठिकाना नहीं था कि संतुलन बिगड़ने के बाद आखिर ट्रक का क्या हुआ। दोनों के मध्य यहाँ से बचने का वार्तालाप होने लगी और बस एक उम्मीद यही थी कि शायद यह रास्ता हमारी जान बचा ले। लंबे लंबे पांव के साथ दोनों गंभीरता के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन फिर उन्हें अपने पीछे से उस कच्चे से सड़क पर हेडलाइट की रोशनी एकदम से दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद कोई मददगार होगा। तभी पवन उस सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर लिफ्ट मांगने लगा।
लेकिन उसने देखा कि ये तो उसी का ट्रक है जो बिना किसी ड्राइवर के उनकी तरफ बढ़ रहा है। उस ट्रक का यही मकसद था कि बस जल्द से जल्द उन दोनों को कुचलना है। स्पीड से भागती हुई ट्रक अब उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। जब पवन को यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरीके से खतरे में है तो वो सड़क से नीचे कूद गया और अपने ड्राइवर को भी सड़क से नीचे कूदने को कहा। लेकिन उसका ड्राइवर ट्रक की चपेट में आने की वजह से एक जोरदार टक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। ड्राइवर के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और एक बाइक वाला जो शायद बगल के गांव का निवासी था उसने सही समय पर उन दोनों की मदद कर दी। ड्राइवर के साथ साथ पवन भी अपनी जान बचाने में सक्षम रहा, लेकिन तकरीबन 7 दिन के बाद अचानक उस ड्राइवर की मौत हो गई। उसकी मौत के पीछे एक काली शक्ति का साया था। कहते हैं मरते समय उस ड्राइवर के पूरे बदन पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन गए थे। कुछ लोगों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर का एक ही शत्रु है, वो सड़क पर घूमने वाला एक हैवान। जब ड्राइवर ने गाली देना शुरू की थी तो शैतान को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसका दिमाग सटक चुका था और वो किसी भी हालत में इसकी मौत चाहता था। और दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि शराब किसी की नहीं होती और वो हर इंसान को बर्बाद करके रख देती है। शायद उस दिन ड्राइवर शराब के नशे में गालियां ना देता तो आज सही सलामत होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।